नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर मैं हूं अशोक वानखड़े और लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट हम बात केजरीवाल जी की भी नहीं करेंगे हम बात इलेक्ट्रल बॉन्ड की भी नहीं करेंगे लेकिन आज एक ऐसी कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि घमंड किसको कहते हैं और घमंड का पतन कैसा होता है 2014 के बाद खासकर भगवा पहनकर यदि आप लोकप्रियता के लहर पे बैठे हुए हैं तो फिर आप अपने आप को भगवान समझने लगते हैं मैं बात योग गुरु रामदेव बाबा की कह रहा हूं वैसा देखा जाए तो रामदेव बाबा एक योगा इंस्ट्रक्टर है लेकिन योगा सिखाने के साथ साथ, साथ सनातन धर्म पे लेक्चर और उन्होंने एक अपना कल्ट बनाया पतंजलि योग का जिसके तहत धीरे धीरे योगा का एक बिजनेस बना दिया और बाबा रामदेव लाला रामदेव हो गए 2000 करोड़ के आसपास का टर्न ओवर पातंजलि आयुर्वेद लिस्टेड कंपनी पातंजलि फूड्स कंपनी और ऐसी कई कंपनियों के मालिक पूरे देश में कई जगह जमीनें फूड पार्क के लिए ली और हर जगह बाबा रामदेव की तुति बोलती है चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष क्योंकि हरेक को लगता है कि इनके पीछे लोग हैं इनको नाराज करने से मतदाताओं को नाराज क्यों किया जाए रामदेव बाबा ने जब देखा 2014 में मोदी जी की लहर आई है इस भगवे लहर में उन्होंने भी पूरे अपने हाथ साफ किए वो भी नेताजी के टोन में उतर आए ये बात अलग है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में महिलाओं के कपड़े पहन के उनको भागना पड़ा लेकिन फिर योगा का साम्राज्य देश विदेश तक फैल गया और फिर वो भारत के संविधान हो भारत का न्यायालय हो सभी को अपनी बपोती समझने लगे मैं ये शब्द इसलिए यूज करता हूं क्योंकि जब उन्होंने एलोपैथी वैक्सीनेशन के खिलाफ खुल के बोलना शुरू कर दिया तो डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने लगातार उनका विरोध किया जब सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए खासकर भ्रमक विज्ञापन के कि जो पतंजलि प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उसके लिए बाकायदा अखबारों के विज्ञापन में या बाबा जब बोलते हैं उसमें इस बात का आश्वासन दिया जाता है ये दवाई लेने से आपको इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी ये आश्वासन है हमारे देश में झूठे विज्ञापन फरेब विज्ञापन ये गुना माना जाता है ये बात जब सर्वोच्च न्यायालय तक आई तो सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले उन्हें फटकार लगाई और कहा कि यह विज्ञापन तुरंत बंद किए जाए इन विज्ञापनों से लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और आप जो नहीं है वो बताकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया तब उन्होंने कहा याद है मुझे ये मामला नवंबर 2023 का है तो कोर्ट ने उनको यह कहा था नहीं तो हमें आप पे सौ करोड़ रुपए का जुर्माना लगाना पड़ेगा तो कोर्ट की इस टिप्पणी पे वक्तव्य देते हुए बाबा रामदेव ने कहा था सौ नहीं हम हजार करोड़ रुपए की हमको जुर्माना लगाइए फांसी दे दीजिए लेकिन हम गलत नहीं है हम जो कर रहे हैं वो सही है हम बीपी लीवर डायबिटीज वजन कम करना इसकी गारंटी देते हैं एलोपैथी वाले लोग ये हिंदू धर्म के खिलाफ है सनातन के खिलाफ है हमारे जो संस्कृति है उसके खिलाफ है हमारे धरोहर के खिलाफ है और एक राष्ट्रवाद का तड़का देते हुए उन्होंने तमाम लोगों को जिनको लगता था कि इनके विज्ञापन भ्रमक है उनको राष्ट्रद्रोही साबित करने में कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने जब यह बात कही तो उन्हें लगा न्यायालय भी शायद उनकी इस बातों के झांसे में आ जाएगा इसके बाद जब न्यायालय ने फटकार लगाई तो वकीलों के कहने पे इन्होंने अंडरटेकिंग दिया और अंडरटेकिंग यह था कि यह कंपनियां भ्रमक विज्ञापन नहीं देगी लेकिन हुआ उल्टा विज्ञापन चलता रहा क्योंकि बाबा को लगा मोदी जी है तो मुमकिन है बाबा को लगा यदि उन्होंने भगवा कपड़ा पहना है उन्हें लाइसेंस मिला है कुछ भी करने का लेकिन एक देश संविधान से चलता है जाति धर्म से ऊपर उठकर और उसके बाद जब सर्वोच्च न्यायालय के पास ये मामला आया तो सर्वोच्च न्यायालय का जो बेंच था हिमा कोहली जी और अहसुद्दीन अनामुल्लाह साहब इन्होंने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा कि अंडरटेकिंग लेने के बाद यदि ये, ये विज्ञापन छप रहे हैं तो ये कोर्ट की अवमानना है और इसका कड़ी सजा कोर्ट देगा इसके बाद तुरंत जो रामदेव बाबा हजार करोड़ देने की बात कह रहा था जो रामदेव बाबा फांसी जाने की बात कर रहा था जो रामदेव बाबा अपने भ्रमक विज्ञापनों को अपने इस फर्जी वाड़े को राष्ट्रवाद और देशभक्ति का और अपनी संस्कृति और सनातनता का एक चोला ओढ़े बेच रहा था वो घुटने पे आ गए तुरंत जो एमडी है है कृष्ण, जो उनके मित्र भी है आचार्य बालकृष्ण उन्होंने अनकंडीशनल माफी नामा कोर्ट में दे दिया और कोर्ट में जब वकीलों के द्वारा ये अनकंडीशनल माफीनामा देते हुए कहा कि माए बाप हमसे गलती हो गई ये भ्रमक विज्ञापन अब हम कभी जीवन में नहीं चलाएंगे लेकिन कोर्ट ने कहा दो अप्रैल को आप हमारे सामने समक्ष खड़े होंगे दो अप्रैल को कोर्ट उनको क्या कहता है कोर्ट में क्या बोलते हैं सबके आंखें टिकी होगी लेकिन एक बार फिर न्यायपालिका ने दिखा दिया कि न्यायपालिका संविधान और कानून के चश्मे से पूरे देश को देखता है यदि कोई कितना भी सेलिब्रिटी हो चार्टर्ड से चलता हो उसका टर्न और 2000 करोड़ से ज्यादा हो लोग उनके चरणों में लेटते हो और खुद अपने आप को एक बहुत बड़े हिंदू धर्म के स्वामी के रूप में बाबा के रूप में प्रस्थापित करते हो तो भी कानून तोड़ने पे उन्हें वही हाल होगा जो एक साइकिल रिक्शा वाले का होता है कानून की दृष्टि से सब बराबर होता है रामदेव बाबा के खिलाफ ये खबरें आप गोदी मीडिया पे ज्यादा देखोगे नहीं क्योंकि इस देश के बहुत सारे ज्यादा जितने भी चैनल्स हैं उस चैनल का सबसे बड़ा विज्ञापन दाता कोई होगा जो पहले चार पांच विज्ञापन दाता है उसमें पातांजलि बहुत बड़ा विज्ञापनदाता है तो जो देवीलाल है मतलब जो पैसा दे रहा है इसको वो कैसा नकार सकते हैं इसलिए रामदेव की खबर हो गई शायद गायब हो गई होगी हो सकता है इसको उन्होंने तवज्जो नहीं दी लेकिन रामदेव के प्रोडक्ट लाखों लोग खरीदते हैं क्योंकि हमारे देश में आस्था एक बहुत बड़ी चीज है और आस्था धर्म इसके साथ जब आयुर्वेद और योगा का तड़का लगता है तो हर इंसान को लगता है कि रामदेव बाबा के प्रोडक्ट लेके मैं अपने लिए अमृत खरीद रहा हूं लेकिन वास्तविकता में कई जगह वो जहर भी साबित हुआ कई टेस्ट में वो फेल भी हुए आर्मी में भी, भी सप्लाई होता था वो भी हो गया क्योंकि रामदेव बाबा का कितने जगह प्रोडक्शन है और कितना सेल है वो उन्हीं को भी नहीं पता तो कुल मिलाकर ये जो एक फ्रॉडगिरी लोगों के सामने थी खासकर दवाइयों में आयुर्वेद के बारे में आज हम न्यूज चैनल से खासकर न्यूज लॉन्चर से इस बात की गवाही देते हैं कि हम आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं आयुर्वेद एक दवाई है लेकिन आयुर्वेद ये शास्त्र है इस शास्त्र का जो धंधा करेगा वो उसकी क्वालिटी मेंटेन करेगा कि नहीं इस पे प्रश्न चिन्ह है हमारे देश में पतंजलि के पहले भी कई आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आती है कई कंपनियां हैं जो सीमित दायरे में ही अपनी दवाइयां बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसका रॉ मटेरियल इतने इजीली अवेलेबल नहीं होता इसके लिए वो मात्र बिक रहा है इसलिए नहीं बेचते लेकिन हम आयुर्वेद है इसके रिजल्ट देना चाहते हैं इसलिए बेचते हैं वो विज्ञापन भी नहीं करते रामदेव बाबा का सारा खेल विज्ञापन का था क्योंकि वो खुद ही इसके ब्रांड एम्बेसडर थे उनका फोटो विज्ञापन में होना उन्हें पार्टी बना गया ये भी एक बात है तो सर्वोच्च न्यायालय 2 अप्रैल को क्या कहता है इसकी नजर लगी रही सर्वोच्च न्यायालय 2 अप्रैल को जो निर्णय देगा वो भी हम आप तक लेके आएंगे लेकिन रामदेव बाबा के हर विज्ञापन पे विश्वास भी मत रखिए क्योंकि विज्ञापन भड़के लिए भी हो सकते हैं मिसलीडिंग भी हो सकते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्ट हिट किया उसको जो कई रोगों को कई व्याधियों को कई आपके शारीरिक तकलीफों को हिट करने की बात करता है आज वो खुद ही घुटने पे आया हिट हुआ आज इतना ही कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर